बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। नाज़रीन, इंसान की हज़ारों साल की तारीख ने यह साबित कर दिया है कि हकीकत की तलाश और जस्तजू इंसान की फितरत के साथ साथ इसकी जिबिल्लत में भी शामिल है। इस हकीकत की तलाश में कई लोगों ने खयानत से काम लिया। मेरे नज़दीक ये खयानत खयानत अज़ीम यानी कि इल्हाद इतिज़म के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूँ कि किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदा, दूसरा एक्सपेरिमेंट यानी कि तजुर्बा, और तीसरा इंटेलेक्चुअल इन्फ्रेंस यानी कि अकली इस्तेदलाल। इंसान किसी भी चीज़ को साबित करने जब लगता है तो यकीनी बात है इन तीनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। इस हवाले से मैं अकेली गुफ्तगू नहीं करूँगा चूंकि हमारा प्रोग्राम रद्द इल्हाद के ऊपर है। खारन व्यू पॉइंट के एक अहम प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और इस ज़मन में आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर, इंतहाई अहम और इंतहाई एक माने और जाने जाने वाले शख्सियत, जो कि पूरी दुनिया में इनकी अफकार और इनकी इल्मी खिदमात से लोग रोशनास हो रहे हैं। मेरी मुराद जामिउल माकूल वल मनकूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा खान हबीबी साहब। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, चूँकि ये प्रोग्राम रद्द इल्हाद के ऊपर है, यानी कि हम रिजेक्शन ऑफ इतिज़म के ऊपर इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले हम चाहते हैं, चूँकि हम वजूद बारे ताला के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले क़िबला अल्लामा साहब, आप मुझे ये हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि वजूद है क्या, इसकी अकसाम क्या है, फिर इंशाल्लाह आगे चल के इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू को आगे जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, सदकल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। मेरे नहायत ही काबिल कदर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब और आपकी पूरी टीम बशमूल किफ़ायतुल्लाह साहब, जो कि हमारे मुआशियात के प्रोफेसर हैं, आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम तरतीब दी है, जो वक्त की नज़ाकत को देखकर आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया, सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे आकर आपके प्रोग्राम में बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप जैसे नौजवान जब तक इस्लाम के लिए जहाँबाजी के साथ ऐसे काम लेते रहेंगे तो इस्लाम के दुश्मन जहाँ कहीं सर उठाएँगे, एक वक्त आएगा कि उनको हमेशा शिकस्त होगी। जहाँ तक इस मौजू के ऊपर बात है, और आपने एक बहुत ही अहम चीज़ की तरफ इशारा किया, वो है वजूद बारी ताला। देखिए, वजूद बारी ताला में तो इजाफत है, यहाँ पर वजूद आप इसको मुजाफ बनाएंगे और बारी ताला मुजाफिले बनाएंगे, तो इसका मतलब अल्लाह ताला का वजूद, जो कि एक वजूद ख़ास बन गया। इससे कबल कि हम वजूद बारी ताला पर गुफ्तगू करें, हम चाहते हैं कि हम बुनियादी तौर पर लफ्ज़ वजूद और उसकी माहियत और उसकी हकीकत के ऊपर भी थोड़ा गुफ्तगू करें। वजूद, ये अरबी जबान का लफ्ज़ है और ये मस्तर है, वजद यजद वजूदन फहुवा वाजिद, जिसका माना होता है पाना। जब भी कोई चीज़ अदम से, जब वो चीज़ कायनात के अंदर हस्ती में आती है, जब वो अपना उसकी एक माहियत बनती है, तो हम कहते हैं कि उस शे का, उस शे ने अपना एक वजूद पा लिया है। मंतकी इस्तेदलाल के मुताबिक कायनात के अंदर आप हर शय की तरफ नज़र डालेंगे, तमाम कायनात के ऊपर आप नज़र डालें, तो आपको वजूद की तीन ही किस्में नज़र आएंगे। वजूद की तीन किस्में हैं, जिनमें से दो तो ऐसे हैं कि जिनको हम कहते हैं कि वो वजूदी है और एक आदमी है, लेकिन वजूद की कुल टोटल जो मनातका ने किस्में बयान की हैं वो तीन किस्में हैं, जिसको एक वाजिबुल वजूद कहते हैं, और एक को वो मुमकिनुल वजूद कहते हैं, और एक मुमतनिउल वजूद कहते हैं। वाजिबुल वजूद किसको कहते हैं? वाजिबुल वजूद के बारे में मनातका ने, फलासफा ने जो इसके ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से तारीफ की है, कि वाजिबुल वजूद ऐसी एक ज़ात को कहते हैं कि जो तमाम अल मुस्तजमिउ लिजमीउ सिफात अल कमाल, जो तमाम सिफात कमालिया का जामे भी हो और उसका होना ज़रूरी हो, यानी ऐसा हो नहीं सकता है कि एक लम्हे के लिए वो ना हो। जी जी, ठीक है।
आज के जमाने में हमारे नौजवानों के ऊपर आपने गुफ्तगू की, कबल इसके कि मैं इसकी मस्जिद किस्मों के ऊपर गुफ्तगू करूं, उसके ऊपर आगे गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम वजूद के ऊपर बात करते हैं, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, तो अल्लाह ताला का होना जरूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फलासफा जिन्होंने ये फलसफे की बुनियाद रखी, जिनमें सकरात है, जिनमें अफलातून है, जिसमें अरस्तू है, जिसमें फिसागोरस है, इन लोगों ने जो वजूद की किस्में बयान की हैं, तो साथ में उन्होंने ये कहा है कि कायनात के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मालूल बगैर इल्लत के हो। अच्छा, कोई मालूल बगैर इल्लत को ये नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, अल्लाह साहब यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ, ये मालूल और इल्लत, इन ये जो चूंकि मोटी बातें हैं ना दोनों, जरा इन इस्लाहत को हम अल्फाज में एक हम नाजरीन इसको कैसे मतलब समझ सकते हैं? आप यूं समझने के एक मखलूक के लिए खालिक का होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, एक मखलूक के लिए किसी बनाने वाले की जरूरत है, एक कायनात को वजूद में लाने के लिए किसी इल्लत का होना जरूरी है। फलासफा अपनी अकली थ्योरी के मुताबिक वो ये कहते हैं मुमकिन ही नहीं है कि मालूल बगैर इल्लत के हो। बिल्कुल, इसमें अच्छा मगरब में अल्लामा साहब इसको हम कहते हैं कि नेसेसरी बीइंग, यानी नेसेसरी बीइंग वाजिबुल वजूद की तरफ इशारा है। इसमें बिल्कुल इसी तरह है, एक क्रिएटर और एक क्रिएटेड चीज का होना, क्रिएशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, आप आगे फरमाएं। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि वजूद की तीन किस्में, एक है वाजिबुल वजूद, वजूद वाजिबुल वजूद उसको कहते हैं जिसका होना जरूरी है और उसका न होना मुमकिन ही मुमकिन है, और एक होता है मुमकिनुल वजूद कि जिसका होना और ना होना दोनों बराबर है। जैसे मैं हैं, आप हैं, कायनात है, दुनिया है, जमीन है, आसमान है, सूरज है, ये सारी चीजें ये इसी जुमरे में आते हैं कि इनके होने ना होने से कायनात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये चीजें आ गई वजूद में तो ये चीजें आ गई, और जब ये अदम में चली गई तो ये अदम में चली गई, इसको कहते हैं मुमकिनुल वजूद। इसी के ज़मन में एक है मुमतनिउल वजूद की जिसका न होना जरूरी है, जिसका न होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम इस्लाम के अंदर कहते हैं अल्लाह का कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह का शरीक न होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इसके ऊपर अकली तौर पर भी एक दलील पेश की, लौका नफीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, जिसको मनातिक अपनी जबान में इसको बुरहान तमानो कहते हैं। बुरहान तमानो से अल्लाह ताला ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि कोई और शरीक नहीं हो सकता, और इस शरीक को हम मुमतनिउल वजूद के दर्जे में ले आते हैं। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे अल्लामा साहब। अच्छा, एक और चीज़ अल्लामा साहब, चूंकि ये पूरा समझो हमारा मौजू ही खासकर अकली इस्तिदलाल के ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। एक और चीज़ खासकर इस दौर में, इस जदीद दौर में, का हाया ये किसी मजहबी इंसान का मसला है, यानी अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर, एक ऐसे वजूद मुतरक के ऊपर बात करना उस बंदे की जिम्मेदारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ मजहबी मामला से उसका ताल्लुक है, यानी एक हर एक शौरी याफ्ता इंसान के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि मैं किसी न किसी एक ऐसे हकीकत की तरफ खोज लगाऊं, एक ऐसे हकीकत की मैं जस्तजू में लगा रहूं, ताकि मुझे कोई एक ऐसा आखिर में मुझे समझो एक ऐसे में पाया तकमील तक पहुंच जाऊं जहां पे इंसान की वो जो दिल है इत्मीनान कल्ब जिसको नसीब हो जाए। जी जी, तो ये सारी चीजें आप किस अंदाज से देखेंगे कि हाँ ये सिर्फ एक मजहबी फर्द का मामला है, यानी पूरे इंसानियत का मामला? मैं आपकी बात समझ गया मेरे मोहतरम। असल में मसला ये है कि अब चूंकि हमारे नौजवान तबका इस चीज की तरफ आ गए हैं, तो फिर हमारी ये बुनियादी बात जरा गौर से सुनो। ठीक है, अर्ज ये है कि सर ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला के वजूद के ऊपर बड़ी दलीलें मौजूद हैं, हम उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं करते, क्योंकि अब हमारा सामना ऐसे लोगों से हैं जो बेचारे इस वक्त रिवर से जुदा हो चुके हैं, रिवर से जुदा हो चुके हैं, जिनके जहनों में शक पैदा किया गया, जिनके जहनों में खलल डाला गया, और यकीनन ये किसी सब्जेक्ट के जरिए नहीं, किसी मजहब के जरिए नहीं, किसी बहुत बड़ी मेहनत के बाद नहीं, ये वो बेचारे लोग हैं कि जिन लोगों ने किसी की वीडियोस को देखा और किसी को कुछ सुना, किसी को अपना आइडियल बनाया और उनकी बातों को लेकर उन एतराजात को अपने जहन में रखा, जबकि इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि एतराज किस चीज को कहते हैं। इसलिए ये तो अभी ये बिखे हुए आप कह सकते हैं या बिदके हुए हैं जो जरा हटके हुए हैं। असल में मसला ये है कि वजूद बारी ताला के ऊपर किसी भी मजहब, आप किसी भी मजहब को ले लें इस्लाम से हटकर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं सर, आप अरस्तू की मंतिक पढ़िए, अफलातून की मंतिक पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, आपके यूरोप में मौजूद है। आप मुझे बताएं ये किसी नबी के पीछे कौन से नबी के माता थे, किसी नबी के ऊपर ईमान लाने वाले थे? नहीं, हम इनको मुवाहिदीन में शुमार करते हैं। आपको पता है मुवाहिद किसको कहते हैं? जिन्होंने अपनी अकली इस्तदलाल के जरिए दुनिया में यह साबित कर दिया कि एक खालिक है, जिसको किसी नबी ने नहीं कहा था।
محض انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے اپنی عقلی مشاہدے کے ذریعے اپنی عقلی غور و فکر کے ذریعے مثلا سقراط کے بارے میں آپ پڑھے, افلاطون کے بارے میں آپ پڑھے اور ارسطو کے بارے میں آپ پڑھے, ان لوگوں نے باری تعالیٰ کی وجود کے اوپر سیر حاصل بحث کی ہے, کوئی انہوں نے بحث نہیں چھوڑی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر بحث کرنا یہ آج کے زمانے میں جو نوجوان اس کے اوپر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابھی تک صحیح معنوں میں وجود کا پتہ ہی نہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ کائنات ایک ممکن الوجود ہے, تو کسی ممکن الوجود کے لیے علت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ہم اس پر انشاءاللہ آگے بحث کرتے رہیں گے جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. لیکن آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں خاص کر آپ جیسے تعلیم یافتہ اور بھی ہمارے دوسرے ایسے ہیں جو ماشاء اللہ بھی کوشش کر رہے ہیں دین کے لیے, تو ایک بنیادی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ سر کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی ہم سے بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ہے کس طرح کا ہے, تو ہم ان کے سامنے ایک بنیادی بات یہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر واجب الوجود کے درجے میں ہے, جس طرح کی حقیقت ہے کہ وہ ایک واجب الوجود کے درجے میں, اور یہ بات اگر آپ کے ذہن میں نہیں آتی اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے مشاہدے سے یہ سمجھا دیا جائے یا سائنسی طریقے کار سے آپ مجھے سمجھا دیجیے, سر معذرت کے ساتھ آپ کے سائنسی طریقے کار میں بہت ساری چیزیں خود آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ آپ کے سائنس کا جو نظریہ ہے, آپ کی سائنس کا جو علم ہے, سائنس کا جو دائرہ کار ہے وہ انتہائی محدود ہے. وہ مشاہدہ اور تجربہ پر پورا مطلب مناسب وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب تک وہ ایک مشاہدتی چیز نہ ہو اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ تیز ترین سفر کرنے والی چیز لائٹ ہے, جس کو کہتے ہیں سپیڈ آف لائٹ, جس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پر سیکنڈ 3,00,000 کلومیٹر کی رفتار سے وہ سفر روشنی سفر کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود آگے اس سے پوچھا جائے کہ آیا روشنی سے بڑھ کر بھی کوئی تیز سفر کرنے والی چیز ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں سر, ہم نہ نفی کر سکتے ہیں نہ ہم اس کے بات کر سکتے ہیں اور نہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے, اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے مشاہدے میں ایسا آیا نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے علامہ صاحب. اس حوالے سے میرے خیال سے کانٹ نے بھی اس چیز کی اعتراف کی تھی, وہ اس چیز کو ذرا کنسیپچوئل چیز کو مطلب ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سنتھیٹک اے پرائری, وہ اس چیز کو سنتھیٹک اے پرائری کا کنسیپٹ مطلب اس حوالے سے اس کو نام دیتے ہیں. ناظرین کہتے ہیں کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں, میری ابتدا کیا ہے, میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. علامہ صاحب اس سیشن کا ہمارا آخری سوال آپ سے ہے, انشاءاللہ پھر آگے ہم اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر, انشاءاللہ اس کے اوپر مزید سیر حاصل گفتگو ضرور کریں گے. اس سے قبل کہ آپ اپنا سوال مجھے کریں, میرے پیچھے بات بھی مکمل نہیں ہوئی وجود کے اوپر, میں نے تو صرف 3 قسمیں بیان کی تھی, اس کے آگے مناطقہ نے جو اس کی مزید قسمیں بیان کی. نفس القمری وجود ہے جس کو ایک خارجی وجود کہتے ہیں, ایک ذہنی وجود کہتے ہیں. کوئی بھی شے جس کو آپ اپنے تصور کرتے ہیں اس کی ایک صورت اپنے ذہن میں لے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وجود ذہنی, اور جو ایک شے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے اپنے مشاہدے سے اپنے تجربے سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وجود خارجی. اور وجود جب ان دونوں چیزوں سے قطع نظر ہو, یعنی آپ وہاں پہ مشاہدے کو بھی سامنے نہ لائیں اور وہاں پہ ذہن کو بھی سامنے نہ لائیں, مطلق وجود کو کہتے ہیں نفس الامری وجود. نفس الامری وجود اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کائنات ایک وجود ذہنی کے علاوہ وجود خارجی بھی رکھتا ہے, یعنی کائنات کو ہم تینوں زاویے میں دیکھ سکتے ہیں سر. آپ اس کو وجود خارجی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں, وجود ذہنی کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور نفس الامری وجود کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ ایک ٹیلی اسکوپ کے ذریعے جب آپ ایک کائنات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس وقت آپ کا خارجی کائنات ہے, یہ آپ کی خارجی کائنات کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے ایک ذہنی کائنات ہے کہ جس کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے. اور مطلق کائنات قطع نظر اس سے کہ مشاہدے سے یا آپ کے ذہن سے اس کو کہا جاتا ہے نفس الامری وجود. اب آخری بات سر, جو نفس الامری وجود ہو, خارجی وجود ہو, ذہنی وجود ہو, ہر وجود معلول ہے جب تک کہ وہ ممکن ہے. ممکن وجود ہمیشہ کسی ایک ایسے وجود کی طرف محتاج ہوتا ہے کہ جو اس کو اس کے لیے ایک مرجع بن جائے اور اس کو عدم سے وجود میں لائے. دیکھیں ایک چیز جب معدوم ہے, عدم ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو اس جانب کو ترجیح دے دے, جس کو مرجع کہا جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں مرجح الوجود, جو وجود کو ترجیح دیتا ہے. یعنی کہ عدم سے وجود میں کسی چیز کو لانے, یعنی میرے کہنے کا سر مطلب یہ ہے کہ مرجح الوجود کو آپ عقلی غور فکر سے بھی آپ اس کا استنباط کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ عقلی مشاہدہ نہیں کر سکتے سر, عقلی استنباط ہوتا ہے. عقلی استنباط ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو عقل کے ذریعے استنباط کرتے ہیں اور اس کو اخذ کرتے ہیں, ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عقلی استنباط.
तो हमारे वो लोग जो वजूद बारी ताला के ऊपर हमसे बहस करते हैं, तो पहली बात अपने जहन में ये रख लें सर कि वजूद बारी ताला को आप सेंसी दलाई और सेंसी मुशाहिदा और सेंसी तजुर्बे की बुनियाद पर न कभी समझ सकते, न कभी देख सकते, न कभी परख सकते, और न इस पर आपको एतराज करने का हक। ये उससे एक मावरा चीज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, कहते हैं कि मैला कबीता ये ला खबरता, ये फैसला ला का ला ही जाने। मैला कबीता ये ला खबरता, ये फैसला ला का ला ही जाने। झुका हुआ था मैं बादला को, जरा जो खुद को जला के देगा। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आज का हमारा ये सेशन ये एक महदूद समझो ड्यूरेशन का था, इसमें हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर मजीद आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें इंशाल्लाह हम मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, आज के हमारे सेशन से मैं आपका मेज़बान और मेरे साथ मेरे मेहमान इंतहाई वाजिब अल-एहतराम मुहतरमुल मुकाम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब, जो कि वजूद की मुख्तलिफ अकसाम के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था मेरे साथ। इंशाल्लाह मज़ीद इस हवाले से हम अपना ये जो एपिसोड है, जो पूरा सीरीज़ है, इसको मज़ीद आगे जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।